कहते हैं कि जो परमात्मा है रूप क्रम है, सबसे महापराक्रमी यदि कोई इस संसार में है तो वो परम पिता, बोल दीजिए, परमात्मा है। अब विचार करने वाली बात यह है कि हम क्या करते हैं, हमने केवल पढ़ लिया कि वो महापराक्रमी है, लेकिन क्या उसके पराक्रम को अनुभव नहीं किया? आप अपने जीवन पर दृष्टिपात कीजिए, प्रेस बैक पे चले जाइए सब लोग, आप देखिए कि उस पराक्रमी के कारण आज आप और हम सब इस सूरज मलयार में बैठे हुए हैं। सब लोग विचार कर लीजिए, यदि उस परमात्मा का पराक्रम मेरे आपके साथ नहीं होता तो निश्चित रूप से आज हम जीवन में इतनी बड़ी तरक्की बोलिए नहीं कर पाते। अब जब मंत्र का पढ़े रूप क्रम है, वो परमात्मा कैसा है, पराक्रम युक्त है, तो वेद के चिंतनकार कहते हैं भैया जब इसको पढ़ो तो विचार करो कि पहले जैसे उसने पराक्रम से आपकी रक्षा करी, क्या आज वो आपकी उस पराक्रम से रक्षा नहीं करेगा? बोलिए करेगा भाई। आपने अपने बच्चों को हमेशा पालित किया, पोषित किया, रक्षित किया, कल को अगर कोई आपके पुत्र पुत्री पर संकट आएगा तो क्या आप रक्षा नहीं करेंगे? बोल दीजिए। चाहे आप बुजुर्ग हो जाएं, चाहे आपके साधन सीमित हो जाएं, चाहे आपकी शक्ति क्षीण हो जाए, लेकिन जितनी शक्ति है, जितने साधन है, उन साधनों से आप अपने पुत्र पुत्री की रक्षा का पूर्णतया प्रयास करेंगे और प्रभु की कृपा होगी तो आप रक्षा करने में सफल भी होंगे। यही बात मंत्र का पहला शब्द है, रूप क्रम है, वो परमात्मन कैसा है, महापराक्रम युक्त है। स्वामी नारायण जी ने सत्यार प्रकाश में पहला ही मंत्र लिखा है। अगली चीज क्या है, कहते मित्र है, वो प्रभु कैसा है, सबका बोल दीजिए मित्र है। और मित्र की विशेषता यदि आप जानते हैं तो क्या है, कहते मित्र की खासियत है कि आपके दुर्गुणों को छिपा देता है और सद्गुणों को बोलिए प्रकट कर देता है। ये मित्र के लक्षण भर्तृहरि जी ने कहे। और अगर हमने अपने मित्र से संकट में कभी कुछ पैसा मांगा या कोई सहयोग मांगा तो वो दे देगा लेकिन कहेगा नहीं किसी को। आप दोनों ही चीजों में परमात्मा को तोलिए, क्या करता है वो, हमारे दुर्गुणों को बोल दीजिए ढक देता है, सद्गुणों को बोलिए प्रकट कर देता है, और देता हमें है लेकिन कभी कहता तो नहीं किसी से। हम क्या करते हैं कि साहब आज इस हमारे मंदिर को 501 रुपए या 10,000 रुपए हमने दान दे दिया, वो 10 दोस्तों को बताते हैं। कोई सांसारिक दृष्टि से ठीक हो सकता है कि आप प्रेरित करें कि भाई देखो मैं भी करता हूं आप भी कीजिए, लेकिन अहंकार भाव से मत कीजिए कि साहब देखो मैं रोग जमाने के लिए मैं मंदिर में दान दे के आया हूं, वो गलत। अरे आपके प्रभु ने भी तो आपको इतना कुछ दिया, आपने किसी को बताया कि मेरे मालिक ने मुझे दिया है? हम कहने की हिम्मत रखते हैं, नहीं रखते। क्या कहते हैं, साहब मैंने परिश्रम किया, प्रभु ने मुझे शक्ति दी तो मैंने परिश्रम किया, लेकिन क्या बोल देना चाहिए साथ में कि नहीं प्रभु ने प्रेरणा दी तो मैंने बोल दीजिए परिश्रम किया। अगर वो प्रभु प्रेरणा नहीं देगा तो वही हम परिश्रम क्यों कर पाएंगे उस दिशा में? परिश्रम तो आप देखिए, ये जो रिक्शा चलाने वाला ये भी करता है, फल बेचने वाला वो भी करता है, सब्जी बेचने वाला वो भी करता है, लेकिन मुझे आपको उस प्रभु ने कुछ ऐसी सुंदर प्रेरणा दी जिसके कारण हमारा परिश्रम फलवन हो गया, फलित हो गया। ये किसकी कृपा है, बोल दीजिए परमपिता परमात्मा की है, क्योंकि वो मित्र है हमारा, लेकिन हम उसको मित्र नहीं समझते ना। क्यों, अगर मित्र समझे आप एक बात बता दीजिए, आपका जो सबसे क्लोज मित्र, एक तो मित्र होगा सबका, जो आपका सबसे क्लोज मित्र है
जब वो आप उससे बात कर लेते हैं, आपने उसमें काम छोड़ दिया, फिर आप क्या हो जाते हैं, बोल दीजिए, निश्चिंत हो जाते हैं ना। लेकिन जो प्रभु पल पल हमारी सहायता कर रहा है, उस पर हम कोई छोड़ की चीज राजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मंत्र कहता है कि नहीं, विश्वास करो, अपने आप को जगाओ, वो तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, उसके अलावा और कोई मित्र नहीं हो सकता। और अगली चीज क्या है, वरुण है सम, सर्वोत्तम सुख कारक, सर्वोत्तम सुख स्वरूप है। आप बता दीजिए, सच्चा सुख कहां मिलता है आपको, भगवान के पास बैठ